पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रधान समेत सभी पदों की 25% सीटों पर बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इस कड़ी में जान लेते हैं कि नया समीकरण कैसे होगा। फिलहाल आरक्षण सूची में बदलाव की सूचना के बाद कई नए चेहरों का रंग उड़ गया है, तो वहीं मैदान छोड़कर भाग चुके कई उम्मीदवारों की उम्मीद जग चुकी है। अब फिर वो दुआ सलाम ठोकने लगे हैं। वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण का निर्धारण करने के लिए जिले के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य समेत सभी पदों की 25% सीटें बदल जाने की उम्मीद है। वहीं वर्तमान में तैयार की जा रही सूची में जो पद आरक्षित थे वे अनारक्षित हो सकते हैं, तो वहीं जहां महिला सीटें थी वो किसी वर्ग के पुरुष या फिर पुरुष वाली सीटें महिला के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इसी तरह से जहां 2015 में जो सीटें ओबीसी या एससी नहीं हुई थी उन्हें आरक्षण के अनुपात के मुताबिक तरजीह मिलेगी। इस श्रेणी में महापंचायतों में ज्यादा से ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव के लिए जिस आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है, या हम कहें कि जिस आरक्षण व्यवस्था को लेकर कोर्ट का आदेश आया है, उसे भी लेकर लोगों में बहुत असंतोष है। कम से कम जिले में 830 लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज करा रखी हैं, लेकिन प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए तय आरक्षण से खुद भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है, जिस वजह से आरक्षण का गणित बदलने से उन्हें कई सीटें अपने हाथ से जाते दिखाई दे रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक आरक्षण निर्धारण का काम पूरा करने के साथ ही 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करा लेने के आदेश सरकार को दे दिए हैं, जिसे लेकर जिला पंचायत और पंचायती राज विभाग का कहना है कि जैसे ही शासन की तरफ से गाइडलाइन मिलेगी आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकारी बयान के मुताबिक मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को ही आधार वर्ष मानते हुए फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में ही रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया है। अब एक नजर डाल देते हैं कैसे निपटेंगे चुनाव। सबसे पहले 4 जिले से कम जिलों वाले मंडलों में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में जिन मंडलों में 4 से कम जिले हैं वहां 2 से 3 चरणों में ही चुनाव निपट जाएंगे। साथ ही हर बूथ पर 3 की जगह 2 मतपेटियां लगाई जाएंगी। उम्मीदवार ज्यादा होने पर 3 मतपेटियों का इस्तेमाल होगा। एक ही मतपेटी में 4 पदों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र डाले जाएंगे। महिला कर्मचारियों की कम संख्या को देखते हुए हर बूथ पर उनकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मंगलवार को आधी रात इस मामले में सरकार ने बयान जारी किया कि अब बुधवार की शाम तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। एक जिले के सभी ब्लॉक में चुनाव एक ही चरण में होंगे। हर मंडल में एक चरण में एक जिले में चुनाव होगा। 4 से ज्यादा जिले वाले मंडलों में एक चरण में 2 जिलों में चुनाव होंगे। पोलिंग पार्टी में 4 लोग होंगे, जिनमें से एक पीठासीन भी शामिल होगा।